के अमारी बोलिए प्रभु जी तेरे दर्शन को हम निवार आंके अमार हे प्रभु जी आकर जमीन पर कैसा किया है हमसे मिलन प्यारे प्रभु जी आकर जमीन पर कैसा किया है हमसे मिलन क्या जाने कब हो तुमसे मिलन क्या जाने कब हो तुमसे मिलन आंके अम्मा तेरे दर्शन आंके अमारी तो तेरी ही महिमा चाहे घटी वो चाहे घटी वो गाएंगे हम चाहे घटी वो प्यारे प्रभु जी तुम ही खुदावो प्यारे प्रभु जी तुम ही खुदावो जाने तुझे दुनिया है सारी जाके बोलिए प्रभु जी तेरे दर्शन को हम निहारे धन्यवाद 1018 धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद स्तुति हो स्तुति हो यीशु तुझे स्तुति हो स्तुति हो यीशु तुझे बोलो धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो
thank you oh Lord, Jesus, thank you oh Lord. Thank you oh Lord, thank you oh Lord, thank you oh Lord, Jesus, thank you oh Lord. Sing praise, sing praise, sing praise unto the Lord. Sing praise. फ्रेंच में गाएंगे, फ्रेंच में गाएंगे. मर्सी बोको, मर्सी बोको, मर्सी बोको, बाबा मर्सी बोको, ओ मर्सी बोको, मर्सी बोको, मर्सी बोको, बाबा मर्सी बोको. Mercy boko, Baba mercy boko, mercy boko, mercy boko, mercy boko, Baba mercy boko, Luwe, Luwe. लुचानल, लुचानल क्या मतलब है? स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु की, स्तुति हो. फ्रेंच भाषा है. स्वर्ग में जाएंगे सब भाषा का गाना हम गाना है, इसलिए यहाँ से प्रैक्टिस. ठीक है. मर्सी बोको, मर्सी बोको, मर्सी बोको, बाबा मर्सी बोको, मर्सी बोको, मर्सी बोको, मर्सी बोको, बाबा मर्सी बोको, लुए लुए क्वेश्चन पूछता हूँ, ये क्वेश्चन पूछता हूँ. प्रभु आपके पास आ गया, पूछते एक वर मांगो, ओनली वन. क्या मांगना है? ओनली वन. बहुत है उसके पास, लेकिन एक ही देने वाले हैं. कौन सा वर मांगोगे? तुमको आंसर मालूम है इसलिए चुप रहने का. बोलो आंसर. जिसको मालूम है हाथ उठाओ. यहाँ पर जेनिफर का अलावा कौन सा वर मांगना है चलेंगे? वो तो है, सही है. यीशु के पीछे चलना है. तो भजनगार क्या कहते हैं? मैंने एक वर मांगा. हाँ, क्या वर मांगा? हाँ, तेरे तेरे संग में सदा रहूं, है कि नहीं? यही मांग रहा था. प्रभु जी कुछ नहीं चाहिए, आपके बगल में सीट चाहिए. सीट क्या चाहिए है?
सीट मिलना मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ। मैं कंपनी में काम करते थे, मेरे चेयरमैन के साथ 1 आवर इंटरव्यू किसी को नहीं मिलता है, 1 आवर इंटरव्यू उसके साथ मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। लोग क्या करते हैं माले में, जब चेयरमैन जी फ्लाइट में जाते हैं ना, चेन्नई दिल्ली से चेन्नई फ्लाइट, उसके साथ टिकट बुक करते हैं। किस लिए? कम से कम ये वो भी उसके परमिशन से करनी पड़ेगी। उसके साथ केवल बात करने के लिए उसके साथ चेन्नई तक जाएंगे, तुरंत नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के। इतना इम्पोर्टेंस होते हैं कुछ लोगों से बात करना। इसलिए दाऊद बोलते हैं, तुझसे ये मेरी मांग है, देखूं तेरी महिमा, करते रहूं तेरी स्तुति। तुझसे ये मेरी मांग है, रहना है तेरे भवन में, देखूं तेरी महिमा, करते रहूं कसोता बना, उद्धार जीवन की ज्योति बना। नहीं डरूंगा नहीं लूंगा, गढ़ है मेरा तू बना। नहीं डरूंगा नहीं लूंगा, गढ़ है मेरा तू बना। छिपा लेगा तेरे तंबू में, संकट के दिन तू मुझे करेगा ऊंचा सिर मेरा, गाऊ मैं आनंद के स्तुति। छिपा लेगा तेरे तंबू में, संकट के दिन तू मुझे करेगा ऊंचा सिर मेरा, गाऊ मैं आनंद के स्तुति। तू ही मेरे जीवन का सौदा बना, जीवन की ज्योति बना। तू ही मेरे जीवन का सोता बना, उद्धार जीवन की ज्योति बना। नहीं डरूंगा नहीं लूंगा, गढ़ है मेरा तू बना। नहीं डरूंगा नहीं लूंगा, गढ़ है मेरा तू बना। खोजूं मैं तेरा चेहरा, जैसे तूने कहा है, अब तू क्रोधित है नहीं, तुझसे मौन छिपाएगा। खोजूं मैं तेरा चेहरा, जैसे तूने कहा है, अब तू क्रोधित है नहीं, मुझसे मौन छिपाएगा। तू ही मेरे जीवन का सोता बना, उद्धार जीवन की ज्योति बना। तू ही मेरे जीवन का सोता बना, उद्धार जीवन की ज्योति बना। नहीं डरूंगा नहीं लूंगा, कड़म मेरा तू बना। नहीं डरूंगा नहीं लूंगा, तू बना। नहीं डरूंगा नहीं लूंगा, कड़म तू बना। नहीं डरूंगा नहीं लूंगा, कड़म मेरा तू बना। एक ही वर मांगा, तेरे संग में रहूं। 1017 पाठ पढ़ना। பாட்டு ஏக்கிவர் துஜசே மாங்கும் சதா தெரே சங்கரவும் ஏக்கிவர் துஜசே மாங்கும் சதா தெரே
संग रहो, एक ही बार तुझसे मांगो सदा तेरे संग रहो, एक ही बार तुझसे मांगो सदा तेरे संग रहो, एक ही बार तुझसे मांगो सदा तेरे ही संग रहो, एक ही बार तुझसे मांगो सदा तेरे संग रहो। काफी है अब मुझे तू काफी था मेरे लिए, न छोड़ेगा कभी मुझे तेरा ये वादा है। तू काफी है अब मुझे तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे तेरा ये वादा है। एक ही बार तुझसे मांगो सदा तेरे ही संग रहो, एक ही बार तुझसे मांगो सदा तेरे ही संग रहो, एक ही बार तुझसे मांगो सदा तेरे संग रहो, एक ही बार तुझसे मांगो सदा तेरे संग रहो, एक ही बार तुझसे मांगो सदा तेरे संग रहो। तू काफी है अब मुझे तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे तेरा ये वादा है। तू काफी है अब मुझे तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे तेरा ये वादा है। पीछे में कोई किसी का वोट हिलते हो दिख नहीं रहा है, बड़े नया गाना है इसलिए बार बार गा रहा हूँ। बोले एक ही बार तुझसे मांगू सदा तेरे संग रहूं। पीछे पीछे का लास्ट पीछे बोलना, नरेंद्र बोलना, रीना बहन बोलना प्लीज। एक ही बार बोलो, एक ही बार तुझसे मांगू तुझसे मांगू सदा तेरे संग रहूं संग रहूं। एक ही बार तुझसे मांगू सदा तेरे संग रहूं। एक ही बार तुझसे मांगू सदा तेरे संग रहूं, एक ही बार तुझसे मांगू सदा तेरे संग रहूं, सदा तेरे संग रहूं, एक ही बार तुझसे मांगू सदा तेरे संग रहूं। तू काफी है अब मुझे तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे तेरा ये वादा है। तू काफी है अब मुझे तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे तेरा ये वादा है। टा टा टा, मैं नहीं गाऊंगा आप लोग गाने का। अभी मुझे तू काफी था मेरे लिए, तू न
छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। एक ही बार तुझसे मांगो सना तेरे सगरा हो, एक ही बार तुझसे मांगो सदा तेरे सगरा हो, एक ही बार तुझसे मांगो सदा तेरे सगरा हो, एक ही बार तुझसे मांगो सदा तेरे सगरा हो। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। क्या वादा है, क्या वादा है? कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा, कभी भी ना भूलेगा, है ना? कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। परमेश्वर का वादा मनुष्य का तो बदल जाएगा, विश्वास करो। ऐसे वादा किया हुआ परमेश्वर पर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, सब लोग स्तुति करेंगे। महिमा मई परमेश्वर, सच्चाई परमेश्वर को स्तुति करेंगे। राबा राबा दूरा बरा 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 बराबर, हृदय के गहराई से स्तुति की बलिदान चढ़ाएं, स्वच्छा बलि चढ़ाएं, वॉलंटियरली अपने आप से। पराक्रमती नाड़िले उमड़े जनंगल मनपूर्वमायुम परिशुद्ध अलंकारमायिरुपार्गल। विडियर कालत्ति पनी कर्पत्तिल पिरक्कुम पनिये पोल उमड़े यवन जनम पिरक्कुम। तेरे ऐसा जनता उत्पन्न होंगे तेरे सामर्थ्य का दिन में, अपना आप से स्तुति करेंगे, अपना आप से महिमा करेंगे। प्रभु को आनंद की स्तुति वाला बलि चढ़ाएंगे, आनंद तुति वली केटकुम, आडल पाडल सतम धुनिकुम, आनंद की गीत गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, रबरा दूरा बरा 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 बरा, सब लोग स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। हालेलुया, स्तुति का बलिदान चढ़ाओगे, आशीष के बारिश का अनुभव करोगे। जो स्तुति नहीं करेंगे ऐसे बैठा रहेंगे, वैसे आके वैसे चला जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो आदमी प्रभु के सम्मुख में आकर उसको स्तुति करते हैं, उसके आशीष का अनुभव करके जाएंगे। ओरा बरा 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 दूरा बरा 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 बरा, हालेलुया। ओरा बरा 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 बरा, ओरा बरा 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 बरा। सब लोग स्तुति करते रहे अन्य भाषा में। भविष्यवाणी बच्चन आने दो, भविष्यवाणी आने दो। हमारा जवान बच्चे लोग भविष्यवाणी बोलेंगे, वाले बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे, जवान लोगों के अंदर भविष्यवाणी आएगा, उसको देखकर प्रभु खुश होगा। मेरे बच्चे लोग भविष्यवाणी बोलेंगे करके प्रभु आग्रह करता है, प्रभु को खुश होता है जब उनकी जनता भविष्यवाणी बोलते हैं। ओ रा बरा 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 दूरा बरा 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 बरा, प्रभु हमारे वो है सर्वशक्तिमान, कुछ भी नहीं असंभव, हर समय और हर जगह प्रभु हमारे यशदान। वो है सर्वशक्तिमान, कुछ भी नहीं असंभव, हर समय और हर जगह जीतेंगे हमेशा, स्तुति के गीत गाएंगे, जय का झंडा लहराए हर दम आगे बढ़ेंगे। शत्रु जो है सामने देखोगे न फिर कभी, उदार प्रभु का देखोगे खड़े खड़े। शत्रु जो है सामने देखोगे न फिर कभी, उदार प्रभु का देखोगे खड़े खड़े। युद्ध हुआ करेगा, लाल समुंदर खोलेगा, तुमको बाहर लाएगा, शत्रु को डुबा
तुमको बहलाएगा, शत्रु को डुबाएगा। ओ हमारे हथियार नहीं संसार के, गढ़ों को गिराने प्रभु की ताकत है उनमें। जो हमारे हथियार वो नहीं संसार के, गढ़ों को गिराने प्रभु की ताकत है उनमें। गढ़ों को गिराएंगे, शत्रु को भगाएंगे, लोगों को छुड़ाएंगे, स्वर्ग राज्य भरेंगे। गढ़ों को गिराएंगे, शत्रु को भगाएंगे, लोगों को छुड़ाएंगे, स्वर्ग राज्य भरेंगे। शत्रु जो है सामने आए, देखोगे ना फिर कभी उद्धार प्रभु का, देखोगे खड़े खड़े। शत्रु जो है सामने आए, देखोगे ना फिर कभी उद्धार प्रभु का, देखोगे खड़े खड़े। युद्ध हुआ करेगा, लाल समुद्र खोलेगा, तुमको बाहर लाएगा, शत्रु को डुबाएगा। युद्ध हुआ करेगा, लाल समुद्र खोलेगा, तुमको बाहर लाएगा, शत्रु को डुबाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन लोग, मैं एक बात आपको सिखाता हूँ, आपके छुटकारा आपके गाने में है, समझ रहे हैं? आप गाना गाएंगे, मेरा प्रार्थना करने का भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोगों को मालूम नहीं है गाने से क्या होगा, गाने से होता है, गीत गाते ही शैतान को हम भगाते हैं। ऐसे ऐसे गीत, पवित्र आत्मा वचन स्वर्ग से मिला हमको, केवल सुनने के लिए नहीं। बहुत पहले भाई आते थे पाल में, पास्टर जी आपके गाना का, आपका स्वर, आपका इन्हें सुन लेते नहीं, क्वरल वॉइस, आपकी आवाज़ बहुत ही, हम लोग एंजॉय करते हैं। एंजॉय करना तो घर पे करना, लेकिन चर्च में एंजॉय मत करो, चर्च में गाना, जो भी ट्यून आता है गाओ। गाने से ही आप, गाने से आपको छुटकारा, ये आपको पता नहीं। शैतान सोच रहे हैं कब मीटिंग करते होंगे, पास्टर जी सिस्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। पूरा मीटिंग शुरू से लास्ट तक ही छुटकारा आपको, समझ में आया? वेट मत करो कब मीटिंग खत्म होगे, कब प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना तो कर ही रहे ना अभी, शुरू से लेकर लास्ट तक ही यही प्रार्थना होते, प्रेज वर्शिप होते, इसी में छुटकारा चंगाई मिलता। कभी मत बोलो कि कोई बड़ा सेवक प्रार्थना करने से भूत भागता है, ऐसा है? कभी कभी बड़े सेवक से नहीं भागेगा, आपकी गाना से भाग जाएगा। मेरा अनुभव मैं बता सकता हूँ, कभी भी मैं बड़े बड़े मीटिंग में जाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे लोगों को भी एनकरेज करता हूँ, क्योंकि सेवक आए तो सबके लिए प्रार्थना करते, इन लोग के सर पर हाथ नहीं रखे थे। मैं सोचा मेरे जैसे मेरे बच्चों को भी हो रहा है। कभी भी मैं बड़े मीटिंग में जाता था, कोई भी सेवक मेरे ऊपर हाथ रख के कोई भविष्यवाणी नहीं बोलते थे, बाकी लोगों को बोलते थे। मैं बोलता रहे मुझे तो प्रभु कुछ नहीं दिया यार। बाद में प्रभु बोला तुम्हारे लिए तो ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको आज दे दिया, विश्वास से जाओ आगे। वो लोग भी कर रहे होंगे, लेकिन प्रभु जी मुझे भी छोड़ा नहीं। मनुष्य छोड़ सकते, लेकिन प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे, कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। गाना गाने से ही यहाँ जब आएंगे 5 बजे, मतलब 5 बजे के पहले आप लोग आके गाना स्टार्ट हो जाना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। हम लोग भले लेट भी हो जाएंगे, यहीं बैठ के बच्चे लोग गिटार विटार लेकर के ट्यूनिंग कर रहे थे, गाना तो सुनाई नहीं दे रहा था। गाना गाना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे। सी स्केल पढ़मा 8:16 पढ़ेंगे, आज का नया गाना का गाएंगे। सेनाओं का प्रभु रहता हमारे साथ, खड़ा हमारा याकूब का परमेश्वर। सेनाओं का प्रभु रहता हमारे साथ, खड़ा हमारा याकूब का परमेश्वर। शरण स्थान है वो और हमारा है बल, और ये मुसीबत जा
का परमेश्वर, सेनाओं का प्रभु, सदा हमारे साथ, बड़े हमारा याकूब का परमेश्वर। मृत्यु भी उलट जाए, डूबे समुंदर में पहाड़, जलकर से लहरे उठे, तो भी नहीं डरेंगे हम। पृथ्वी उलट जाए, डूबे समुंदर में पहाड़, जलकर से लहरे उठे, प्रभु रहता हमारे साथ, बड़े हमारा याकूब का परमेश्वर, सेनाओं का प्रभु रहता हमारे साथ, बड़े हमारा याकूब का परमेश्वर। युद्ध को बंद करता है, पृथ्वी की सीमा का धनुष को तोड़ता है, रथों को बस में करता है, युद्ध को बंद करता है, पृथ्वी की सीमा का धनुष को तोड़ता है, रथों को बस में करता है, सेनाओं का प्रभु रहता हमारे साथ, बड़े हमारा याकूब का परमेश्वर, सेनाओं का प्रभु रहता हमारे साथ, बड़े हमारा याकूब का परमेश्वर। भजन संहिता 2 में क्या लिखा मालूम है? मैं तुम्हें ऐसे राजदंड दूंगा, लोकन वाला इरुप्पु कोलिनाल। और शत्रु के बारे में क्या लिखा है मालूम है? वो लोकन का बर्तन नहीं है। कौन सा बर्तन है? शत्रु के बारे में बाइबल बोलता है भजन संहिता 2 में, कुयावन मन पांडते इरुप्पु कोलाल, எப்படி உடைக்கலாம்? இரும்பு கோலை வச்சு லொக்கன் க டண்டல் லெக்கருக்கு மிட்டிக்கு பர்த்தன்க்கு தோடனைக்காய பிக்சர் மண்மே ரக்கோ படியா பிக்சர் ரேகா ஆப் சோச்சரே மிட்டிக்கு பர்த்தன் மேவும் சைத்தான் லொக்கன் க டண்டா ஐயா க்யா கருங்க பாசாஜி லொக்கன் க டண்டா கொல்லைக்கே முஜே மாரா ஹே அபி ஹம்லோ உல்டா பிக்சர் தேக்கிறேன் पिक्चर को कभी उल्टा देखेंगे ना, कभी कभी देखें ना, कोई पिक्चर ऐसे बनाते हैं उल्टा देखने से रोने जैसे लगेंगे, ऐसा देखें सेम पिक्चर है, वैसे पिक्चर में डंडा कौन है? प्रभु का नाम आपके हाथ में है वो डंडा। हालेलुया। युद्ध को बंद करता, धनुष को थोड़ता, शैतान के पास कोई धनुष नहीं मालूम है, बेवकूफ शैतान सब हरा गया, सब छीन लिया गया, दांत तोड़ दिया गया, ढंग काट दिया गया, ऐसे पीतल का बर्तन नहीं है, मिट्टी का बर्तन है। अगर आप अपने अधिकार को लेके कुछ नहीं, कितना स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ेगी बोलो, पीछे वाला बोलो, लोकन का डंडा से मिट्टी का बर्तन तोड़ने में कितना समय जाएगा? थोड़ा से है ना, स्लाइटली मारनी पड़ेगी, जैसा मैं बच्चों को बोलता हूँ गिटार को ज़्यादा मत मारो, थोड़ा से प्रेम से, शायद वो मैनुअल वो गिटार मारा होगा ना, इसलिए उसको अभी पता चलेगा। अभी पावर वाला गिटार आई है, समझ में आ गए? इसमें पावर है, उसमें पावर नहीं, इसलिए आपका पावर लगाना पड़ रहा है। ये इलेक्ट्रिक गिटार है, इसमें पावर आपका ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, करंट पावर यहाँ उपलब्ध है। वैसी आप डंडा हाथ में लेंगे, कौन सा डंडा? यीशु मसीह का नाम से आ रहा हूं गोलियात, क्या समझ रखो या तुम?
uncircumcised Philistine. I come in the name of the Lord. तुम्हारा बाला, तुम्हारा धनुष, तुम्हारा तीर कुछ नहीं चलने वाले. मेरे प्रभु के नाम से एक पत्थर भी काफी है मिट्टी का बर्तन को तोड़ने के लिए. एक बर्तन काफी है. इतना बड़ा गोलियात को दाऊद के सामने परमेश्वर क्या बना दिया? एक मिट्टी का. ऐसा देखने वाला विजय पाएगा. सब मैसेज तो हो गया ऑलरेडी. गाने में ही मैसेज हो गया. गाने में चंगाई हो गया. घर चलते हैं. चलेगा? नहीं पास्टर जी, मैसेज चाहिए. हाँ चलिए. चौथ सी पोड में चौथियों में वो है महा, सारी पृथ्वी में है महा, जानेंगे रह कर शाम, कोई है परमेश्वर. जातियों में है महा, सारी पृथ्वी में है महा, जानेंगे रह कर शाम, कोई है परमेश्वर. सेनाओं का प्रभु रहता हमारे साथ, बड़े हमारा याकूब का परमेश्वर. सेनाओं का प्रभु रहता हमारे साथ, बड़े हमारा याकूब का परमेश्वर. दुनिया में लोग बोलते थे, कुछ नेता लोग, कभी नहीं हारेगा हमारा नेता. कोई भी नेता दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है. इतना बड़ा बड़ा नेता लोग, स्टालिन जैसे, लेनिन जैसे, हिटलर जैसे लोग थर थराते थे उसको देखते हुए. लाखों लोगों को मारा, वो लोग सब हार गए. लेकिन एक ही नेता जो हमारा कप्तान, प्रेम से नफरत को जीतने वाला, हमारा कप्तान के सामने सारे दुश्मन की हत्यारे मट्टी का बर्तन जैसे चकना चूर हो जाएगा. इस विश्वास के साथ आप लोग प्रभु को धन्यवाद करो. हालेलुया. प्रभु मेरे साथ है, कौन मेरे विरोध में खड़ा हो सकता? प्रभु मेरे संग है, शैतान तुम कुछ नहीं कर सकते हो. मेरे हाथों में प्रभु ने दे दिया है लोकन की हथियार दे दिया है. जो हमारा हथियार संसारिक नहीं है, घड़ों को गिराने प्रभु के द्वारा ताकतवर है. आललू यारा बारा दूरा बारा 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 धन्यवाद करो. ओ रा बारा 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 ओ रा बारा 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 हललूया 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 हललूया. कोई अकलते पोल नुरुकी पड़वार. हललूया रा बारा बारा दूरा बारा 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 ओ रा बारा 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 बारा. உனக்கு விரோதமாய் போராடினவர்களை நீ தேடியும் காணாதிருப்பாய், தேடியும் காணாதிருப்பாய். உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஒரு ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும். தேரே விரோதமே கோய் பி ஹத்தியார் பனாயா ஜாயேகா வோ சஃபல் நஹி ஹோகா. ஜோ தேரே விரோதமே ஆயே உன்கோ டூண்டனே பர் பி துமே நஹி மிலேகா. வோ லோக் ஜோ தேரே விரோதமே ஆனே வாலே வோ அகர் மன்னே ஃபிர் ஆயேங்கே வோ லோக் சுக்னச்சுர ஜாயேங்கே. परमेश्वर हमारा लड़ाई लड़ रहा है. एक आत्मिक लड़ाई है, एक आत्मिक युद्ध है. कप्तान के अंदर धुन है. कप्तान ढिलम डाला नहीं है, कप्तान आलसीपन नहीं है. हमारा कप्तान धुन से भरे हुए हैं, हमारा कप्तान ताकत से भरे हुए हैं. हमारा कप्तान के हाथों में सारे अधिकार, सारे अधिकार. हमारा कप्तान बोलते हैं, मैं तेरा कप्तान हूँ, मैं तेरे आगे जाऊँगा, आगे तेरे जाएगा प्रभु, समतल करेगा मार्ग तेरा. जिसे तू प्रभु को जान ले, जिसने बुलाया है तुझे, आगे तेरे जाएगा प्रभु, समतल करेगा मार्ग तेरा.
जिसे तू प्रभु खोजा ले, जिसने बुलाया है तुझे, लोहे की जंजीर तोड़ेगा, पीतल के दरवाजे खोलेगा, छुपे हुए खजान को देगा वो तेरे लिए। अभिषेक दास के सामने, अभिषेक प्रभु के बच्चों के सामने लोहे के जंजीर भी माले में। शिमशोन की कहानी कितने लोग सुने थे, पढ़े थे? हाँ, पढ़ा था जड़जस 16 में। तुम तो पढ़े होंगे, तुम तो रोज पढ़ते हो, दूसरे लोग पढ़ा है? उसमें क्या लिखा है बोलते, ऐसे ऐसे बड़ा तार लेकर आओ, नया नया लाओ, बांधो, इवन लोकन का भी ला के बांधे होते तो भी वो तोड़ देता। अभिषेक अंदर आएगा, सारे जुआ सब चुकन छुर हो जाएगा। लेकिन क्या किया बेवकूफ, अपना बाल के रहस्य को इसने बता दिया। धीरे 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 शैतान आपको फंसाता है, धीरे धीरे। देखो लास्ट टाइम जो फोर्थ टाइम जो रिवील किया, उसके पहले थर्ड टाइम उसने क्या बोला मले में? हाँ, नहीं, बाल की बात किया बेवकूफ। धीरे धीरे शैतान आपके अंदर से राई को, मतलब राज को निकाल रहा है। ही वॉज क्लोज टू दैट, समझ में आ गए? कभी कभी क्लोज जाके केलो मत, पाप के क्लोज में भी जाना नहीं। उसने थोड़ा सी बोल दे, बांधो मेरे बाल को। जब आप बांधो बोलेंगे, बाद में जो बात आएगा काटो, बांधने वाला बात आ गए, काटने वाला भी आ गया, सीक्रेट बाहर आ गया। वो लोग बांध लिया, लेकिन उखाड़ दिया उसने। अभिषेक जब था, बाल में भी इतना ताकत है, लोकन में बांधा होगा ना कहीं, उसको भी उखाड़ कर आ सकता था। आज सामक ताकत को आपको ना नहीं है, मांगने से ज्यादा I'm not afraid.
धन्यवाद करेंगे। मेरे बच्चों लोग आइए हम प्रार्थना करेंगे, आगे की बातों को प्रभु अगुवाई करें, हमारे लिए भविष्यवाणी वचन दे। मेरे भाई बहन बच्चों लोग, हमारे अंदर इतना चीज़ हम कैरी कर रहे हैं, वी आर कैरिंग अ ग्रेट अनॉइंटिंग, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ग्रेट पावर, बहुत बड़ी सामर्थ्य को, अथॉरिटी को, जिम्मेदारी को हम कैरी कर रहे हैं। इसलिए हम किसी गलत चीज से केले नहीं, प्रभु में बचा ले। हालेलुया। आइए हम आगे की बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर में अगुवाई करें। वचन हम पढ़े जा रहे हैं, महान उद्धार। क्या उद्धार है? महान उद्धार। महान उद्धार के बारे में वचन पढ़ने जा रहे हैं। इब्रानियों की पत्री 2:1-4 तक वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों के 2:1-4। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए बोले और भी मन लगाए। हाँ, मतलब जो लगाते हैं सही है, और भी जाना है। हम लोग कंपनी में काम करते थे, कौन सा कंपनी में था मैं काम करते थे बोलो? एक तेल वाला कंपनी था। क्या करते थे हम लोग? ऐसे से ड्रिलिंग बिट से जमीन को अंदर जाते थे। क्यों जाते थे? अंदर से पानी निकालेंगे। पानी तो दूसरा लोग निकाल देंगे, उसके लिए इतने बड़े बड़े मशीन का ज़रूरी नहीं है। तेल निकालने के लिए चला गया, साहब इतने दूर चला गया, वहाँ से बोले और भी जाओ। साहब क्या बोलेंगे? और भी जाओ। अभी आप बोल रहे मेरे जीवन में पास्टर जी आशीष नहीं मिले, क्या करूँ? प्रभु जी क्या कह रहे हैं? प्रभु जी बोल रहे हैं और भी। हाँ, फिर से गाना गाए ना, फिर से स्तुति गाऊंगा, तू है मेरा उद्धार, मैं फिर से स्तुति गाऊंगा। दुश्मन कहता है तेरा परमेश्वर कहाँ यार, तुम इतने भक्तिभाव कर रहे, कहाँ हो रहा है, कुछ तो होने रहा। पवित्र आत्मा बोलते है मेरे मन, तुम क्यों अंदर अंदर ही ऐसे हो जाते हो, अंदर अंदर क्यों उदास होते हो? परमेश्वर पर भरोसा कर, फिर से स्तुति गाऊंगा, अपने आप को धूल से उठ जाओ मेरे बच्चे लोग। धूल आपको यीशु मसीह के बच्चे लोगों के बारे में स्वर्ग राज्य स्पेशल कैमरा से देख रहा है, नया नया बच्चों को भी, नया पुराना उनके कोई फर्क नहीं है। राजा के बच्चे लोग होते हैं, कितने भी बच्चे हो, कुछ कुछ लोग बाइबल में जिसके 30 बच्चे 40 बच्चे ऐसे भी लोग हैं। कुछ हम लोग पढ़ते थे 30 लड़के लोग 30 गधा पे जाने वाला, 70 है, ये भी है गिदियोन का ही 70 बच्चे लोग है, 70 बुलेट है, कैसे रहेगा यहाँ 70 बच्चे लोग? किसी का 70 बुलेट लेके कहाँ रखने का भी, वैसे मैदान में रखनी पड़ेगी जैसे बड़े बड़े गाड़ियाँ रखे ना। हाँ, इन्हें सोल मरदे वी इला एंत सब्जेक्ट पेटे महान उद्धार। कभी कभी कोई एग्जाम्पल देने के लिए जाते हैं, लाइन ट्रैक निकल जाते, कोई बात नहीं। गहराई में जाना है, और भी जाओ, और भी मांगो, फिर से स्तुति गाऊंगा। दुश्मन कहता है कहाँ तुम कर रहे हो, यहाँ बेकार का कर रहे हो, लेकिन बोलते जिस बातों को तुमने सुना, जिन बातों को हमने सुनी है, और भी मन लगाए। कुछ लोगों को नया नया चाहिए,
इसलिए हम नया नया कहानियाँ भी बोल देते हैं, लेकिन घूम फिर के वही बात में हम आएंगे। जितने भी कहानी बोलेंगे, कहानी एक भूसा के समान है, समझ में आ गए? भूसा होते ना, ये उसके अंदर क्या होते हैं, गेहूँ, गेहूँ के पास पहुँचाने वाले हैं। इसलिए कहानियाँ केवल सुन के जाने के लिए नहीं, सुनी हैं और भी मन लगाएं, और भी सोचें, और भी ध्यान करें, और भी उसके लिए समर्पित हो जाएं। जो वचन परमेश्वर की ओर से मिल गया है, उद्धार का वचन, बहुत कीमती है, बहुत बड़ी सीक्रेट है। इस सीक्रेट को कोना नहीं, कौन कोया सीक्रेट को, शिमशोन की कहानी मैंने बोला, कैसे कोया सीक्रेट, शैतान क्या करते हैं, धीरे धीरे चुराते हैं, चुराने वाले शैतान। पहले तो बोलेगा मैं आई लव यू, क्या बोलेगा, आई लव यू, यही तो बोला होगा दलीलाल। बेवकूफ को मालूम नहीं, पहले बार उसने राज बता दिया तो जाके तुरंत वो पुलिस लोगों को बोल दिया कि नहीं, वो लोग तुरंत आ गए। इसको पता ही नहीं, इसको बोलने से तुरंत वहीं बोलेगी। 1100 टुकड़ा चांदी, कितना चांदी, 1100 टुकड़ा चांदी, कितने लोग मालूम नहीं, 15-20 लोग होगा तो कितना हो गया, कम से कम 10 लोग हो गया तो भी क्या हो गया, 11000 टुकड़े का चांदी। उस चक्कर के लिए है शैतान, आपकी बड़ाई को नहीं सोच रहा है, आपके अंदर चाकू लगाने के लिए सोच रहा है भाई, आपके जीवन को नाश करने के लिए सोच रहा है। इसलिए सावधान रहो, जो बातों को आपने सुने हैं कोना नहीं, पाने पाया आपने, धन्य है। मालूम है बाइबल में एक वचन, आप चौंक जाओगे, चौंक जाओगे, जिस आदमी को वचन मिल गया गॉड कैटेगरी में आ गए, कौन सा कैटेगरी, स्वर्गीय इंसान बन गए। जिस व्यक्ति के पास वचन मिल गए हैं, वचन समझ में आ गए हैं, वचन को विश्वास कर लिए, बपतिस्मा ले लिए, आपको परमेश्वर ने प्रमोट कर दिए स्वर्गीय इंसान, गॉड कैटेगरी, गॉड मैन है कि नहीं, गॉड का जीन आ गया, वही वर्ड, वर्ड इज द जीन ऑफ गॉड। बाइबल कहते हैं वचन देहधारी होकर के यीशु आया, वचन आपके अंदर आता है, उसके द्वारा परमेश्वर का जीवन आया है भाई। कोना नहीं, कोना नहीं, मेरे बच्चे लोग बगल वालों को बोलो कोना नहीं आ, कोना नहीं, उसको संभालना है, जान से भी प्यारा है। मैं सोच रहा हूँ अभी मेरे जीवन में, मैं उन जिस में एक नौकरी किया, कमाई भी किए, इंजीनियरिंग पढ़ाई भी किए, उस थोड़ा समय के लिए काम में आया, ज़रूर थोड़ा समय नहीं, ज़्यादा ही समय, 82 से 2013 तक नौकरियाँ वगैरह किया मैंने तो, लेकिन जो चीज़ मैंने पाया कलिसिया में आके पाया, अनंत जीवन के लिए है। क्या है, जीवन के लिए। इसमें मैंने मन लगाया, वो भी प्रभु का कृपा है। बाकी लोग घूमते रहते थे शनिवार, इवन क्रिश्चियन लोग भी शनिवार में फिल्म दिखा रहे करके चले जाते थे, हम बैठ करके प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे, मन लगाते थे, कुआ खोदेंगे तेल, स्वप्न करने से तेल नहीं मिलता है, अंदर जाना है, जहाँ तेल है वहीं जाना पड़ता है। वही बोल रहे हैं खजाना मैं दूंगा, खजाना मैं दूंगा, आलसी लोगों को कुछ नहीं मिलने वाले। बहुत बड़ी झटका लगेगा आपको, आलसी लोग, मैंने बोला ना गिटार का करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा तो करना तो पड़ेगी,
ऐसा स्वप्न का गिटार नहीं होगी कि अपना आप से बच जाएगी, फिर तकलीफ हो जाएंगे, हम लोग का काम सब चला जाएगा। आरती वही आ रहा है दुनिया में, अभी आ रहा है। अभी तमिलनाडु में एक म्यूजिशियन, हम पैर इन्हें इलैयाराजावा, वो आया हैं, वो आया क्योंकि क्या किया, लोग जितने वायलिन बजाने वाले हैं, फ्लूट बजाने वाले हैं, वो क्या किया, सबको निकाल दिया, सबको मशीन से, मतलब कंप्यूटर से। तो देखो, आपको मन लगाना है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, धर्म के लिए, धार्मिकता के लिए भूखे तृप्त किया जाएंगे, उनको ही मिलेगा, ढूंढोगे तब पाओगे। उसमें भी थ्री लेवल शिशु जी बोल रहे हैं। पहले क्या कर रहे हो आप, मांग लिया, मांगने के बाद मिला नहीं, अरे कहाँ मिलने वाला, ये सब पास्टर लोग ये लोग ऐसे बोलते चले, उनको मिल गया होगा, हमें तो कुछ मिलने वाला, हम लोग तो गरीब लोग हैं। चर्च गरीब लोगों के लिए है, हालेलुया, यीशु मसीह गरीब लोगों के लिए है, गरीब परिवार में जन्म लिए हैं, धन्य है जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, आपके लिए है, मांगो, नहीं मिला तो ढूंढो, और भी आगे जा कर के कटकटाओ। मेरे भैया बोलते थे कभी कभी कटकटाते मत रहो, खुले दरवाजे को थोड़ा धक्का तो होता ही कि नहीं, अभी यहाँ पर कोई बाहर खड़ा रहेगा, कटकटाते रहेगा, आप लोग क्या सोचे, अरे बेवकूफ, क्या करना चाहिए इस दरवाजा को थोड़ा, अभी किसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए एक दरवाजा है, खुला है, लेकिन वहाँ डोर क्लोजर लगा हुआ है, आपको पता नहीं चल रहा है, क्या करना चाहिए, प्रेम से, प्रेम से थोड़ा धक्का दो, मतलब आपका इंटरेस्ट चाहिए, उद्धार पाने के लिए इंटरेस्ट चाहिए, पवित्र होने के लिए इंटरेस्ट चाहिए, प्रभु के लिए कुछ करने के लिए इंटरेस्ट चाहिए, और केवल इच्छा जताने से नहीं, उसके लिए कुछ रिस्क भी लेना पड़ता, क्या लेना पड़ता है, रिस्क, रिस्क लो, जवानीपन से लेने वाला बुढ़ापन में भी लेगा, और खास जो नौकरी में ईमानदारी रहेगा, सेवा में भी ईमानदारी रहेगा। कभी कभी कुछ लोगों का, ऐसे लोगों को हम प्रेफर करते हैं जो नौकरी करके सेवा में आते हैं, वो लोग थोड़ा सिंसियर, सीरियसनेस होते हैं, सबके लिए ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, कुछ लोग हैं डिसिप्लिन रहता है, मसीह जीवन अनुशासन जीवन है, मसीह जीवन में प्रयत्न भी होता है, आलसीपन से नहीं है, इच्छा जताने से नहीं है, मन लगाओ क्योंकि आगे बढ़ो, ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए, बहक कर दूर चला जाए, प्रभु के दास बोल रहे हैं तुम बहक कर, अरे पास्टर जी हम तो ऐसे लोग नहीं है, हम तो चकाचक है, मैं तो बहक कर दूर नहीं जाऊंगा, नहीं जाएंगे बच्चा लोग, दूर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मन नहीं लगाएंगे दूर चले जाने का चांस रहता है। जो बिल्डर की कहानी बोले मैंने, इंजीनियर की कहानी, उसने क्या लगाया, मन लगाया, लगाया मन नहीं लगाया, गुस्सा से काम किया, अरे ये क्या मालिक ऐसे खड़ूस आदमी है यहाँ, उसका प्रेम को नहीं समझा। आज भी मेरे जनता, परमेश्वर कहते हैं मेरे जनता मेरे प्रेम को नहीं समझ रहे, मेरे जनता मुझे कड़ूस समझ रहे, मेरे जनता मुझे कड़ूस मालिक समझ रहे, लेकिन मैं उनके लिए स्वर, उनका पिता हूँ, क्या हूँ, पिता, पिता है। कितने पिता लोग यहाँ बैठे हैं, आपके बच्चों के लिए आपके मन कैसे रहेगा, मैं समझ सकता, मेरा भी बच्चे लोग हैं,
कितने भी क्या होने होते मेरे जीवन में, बच्चे लोग कभी भी हमारा जीवन का केंद्र से कभी नहीं हटा सकते, मेन रहते हैं। कमाई करते उनके लिए, मेहनत करते उनके लिए, करते हैं कि नहीं बोलो। हाँ, बच्चे लोगों को नीचे गिराने चाहेंगे? हाँ बोलो तो सही। आगे लेने के लिए चाहेंगे, हमसे ज़्यादा बढ़ने के लिए चाहेंगे। परमेश्वर आपको आपको प्रार्थना सिखाते हैं, क्यों? आपके ऊपर डंडा मरने के लिए नहीं, अरे तुम प्रार्थना नहीं करो। कभी कभी मैं नाम लेके बोल देता हूँ, गाना गाओ, थोड़ा बुरा नहीं मानना मेरे बच्चे लोग, मैं आपके लिए एक आत्मिक पिता के रूप में कभी कभी बोलता हूँ। मैं सोचता हूँ बोलना नाम नहीं बोलना चाहिए, लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं क्यों बोलता हूँ। थोड़ा मेरे बच्चे लोग आगे आए, मन लगाए, गाना गाओगे उसके अंदर वचन मिलेगा, विश्वास आएगा तो अद्भुत काम होगा। मन लगाए, भटक न जाए, बार बार कुछ चीज़ों को याद रहेगा, भूल नहीं जाएगा। समझ में आया? हाँ, कुछ लोगों को याद ही नहीं रहता। मेरे को कॉलेज में मेरे साथ पढ़े थे 5 साल, कुछ लोग वो लोग मुझे याद रखते हैं, पता नहीं। वहाँ से बोले, अगस्टिन कैसे हो? मुझे याद है मैं संपत कुमार हूँ। मुझे एक संपत कुमार याद है जो हमारे साथ प्रेयर में आता था, दूसरा संपत कुमार मुझे मतलब आपके क्लास में पढ़ाते, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में पढ़ाते। नहीं नहीं वो अलग है, या वो तो आपके प्रार्थना में आते थे, मैं आपके साथ आपके बगल में बैठते थे। हमको याद है? नहीं। क्यों? हमारा कोई संपर्क है? हमारा उनका और हमको कोई कॉमन चीज़ नहीं है। वो लोग का काफ़ी चीज़ है, वो लोग का ग्रुप भी चलता है अभी भी। मेरे को भी कभी बीच में लाए थे, मैंने प्रेम से निकल आ गए। हमारा कोई चीज़ उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है, उनके ग्रुप में हम रह नहीं पाएंगे। जो चीज़ आप याद ही नहीं रखोगे, भूल जाओगे। इसलिए प्रभु जी ने क्या बोले मूसा को मालूम है? मूसा को बोला, लोगों को गाना बना के दो। अभी थॉमस पास्टर को भी वही काम प्रभु ने दे दिया, गाना बना के दो। वो गाना को वो लोग गाते रहे, गाना गाते गाते वचन उनके मन में बैठ जाएगा। अभी मैं बच्चों लोगों के लिए बहुत खुश हूँ, ये लोग सब गाना याद रखते, मेरे से भी ये लोग को अच्छे से याद रहे। मेरा ही गाना मैं भूल जाते, ये लोग याद रहते, वचन याद रहेगा। मन लगायो, बहक कर दूर न चला जाए। दूर जाने वाला एक दिन में नहीं जाता। शिमशोन की कहानी, यूथ मीटिंग में बच्चों को आए थे वहाँ पर सिटी में, धीरे धीरे शैतान जोर लगाता है, धीरे धीरे फंदा लगाता है। शैतान से सीखना तो एक चीज़ है, कभी भी हार नहीं मानता है। हाँ, देखा आपने अभी इलेक्शन में लोग दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, अरे वेट करके देखते हैं। पहले से हरावट दिख रहा है, फिर भी बोल रहे नहीं 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 वेट करेंगे। अभी हम हार नहीं मानता, लेकिन वो हमारा कैरेक्टर होना, हम लोग हार नहीं माने। जो हारने वाला हार नहीं मान रहे हैं, जीतने वाला क्यों मानना चाहिए भाई? सोचो तो सही। समझ में आ गया? पक्का हारने वाला है, पक्का हार गया, वो हार ही नहीं मानता है। हम लोग क्यों छोड़ना चाहिए? छोड़ना है क्या? नहीं, आगे बढ़ो, भाग करके दूर न चला जाए। एक बार प्रभु में आ गए हैं, प्रभु का उद्धार पा लिए हैं, आप प्रभु के लिए खजाना बन गए हैं। भले कहीं भी पड़ा रहेगा, धूल में पड़ा रहेगा, तो भी सोना तो सोना ही रहेगा, मैं बार बार बोलता हूँ। लेकिन सोना को शैतान खेल समान छोटे बच्चों के हाथ में दे देंगे, क्या करेगा वो? उसको खिलौना बना देगा। शिमशोन खिलौना बन गया,
उस कहानी में हम पढ़ते हैं, तमाशा बन गया, हजार हजार लोगों को सबक सिखाने वाला, एक गधा का हड्डी से गधा का हड्डी से हजारों को मारने वाला शिमशोन, अभिषेक रहता था, ताजा रहता था, प्रभु का अभिषेक उसके अंदर रहने का समय में लोग दरवाजा बंद कर देते थे, मौले में गेट बंद कर दिया, सपोज गेट बंद कर दिए, नॉर्मली क्या करेंगे, दीवार कूद के जाएंगे। शिमशोन ने सोचा इतना करने से इन लोग का दिमाग नहीं चलेगा, मुझे तो ONGC का गेट भी क्या करूँगा, मैं उखड़ दूंगा, ऐसा आदमी है। निकालना देखो, एस्केप करना तो कैसे कर सकते हो, खिड़की से कहीं से कूद के भी, लेकिन इसने वो क्या किया, वो लोग ताक लगाए हुए थे गेट, इधर उधर ताक रहे थे, सीधा गया, किसके ला रहे गेट का दोनों बाज का हिलाया, फट करके उगाड़ दिया। और इतना भी नहीं, देखो मज़ेदार बात है, इतने बड़े लोखन का गेट को रख कर के यहाँ से गेट यहाँ तक नहीं जा रहा है, ऊपर लेके पहाड़ पर ले जा रहा है यहाँ। सुपरमैन ऐसा बनना चाहिए कि नहीं, कैसा रहा होगा, मेरे को स्वर्ग में देखने को मिलेगा ज़रूर। शिमशोन को बताएंगे कैसे जी आप शेर को मुंह को फाड़ दिए, क्यों दलीलाल से क्यों हार गए आप, अरे मुझे पता नहीं है ये सब, मैंने थोड़ा लाइटली ले लिया, क्या कर लिया, लाइटली ले लिया, लेकिन कम से कम प्रभु के दया से मैं स्वर्ग तो आ गया। सो कुछ लोग सोच रहे हम भी ऐसे प्रभु की दया से स्वर्ग चले जाएंगे, रिस्क लेना चाहिए, ऐसे पाप के विषय में रिस्क कभी नहीं लेना, उसको लास्ट मिनट में दया मिल गए वो अलग बात है, सब लोग ऐसा मत सोचो। तो इतना सामर्थ्य आदमी है, गेट को उखाड़ सकते हैं और उठा करके पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं कि मतलब क्या है, पूरा इच्छापुर वाला का पूरा सूरत वाला को दिखेगा, सूरत का गेट बंद कर रहे, वो गेट है मेरे प्रभु के सामने, लोहे के जंजीरें तोड़ेगा, पीतल के दरवाजे खोलेगा, छुपे हुए खजान को देगा वो तेरे लिए। कोई भी गेट बंद नहीं कर सकते हैं, फादल की फाटक कलिसिया को पर प्रबल नहीं हो सकता, स्वर्ग के चाबियां मैं आपको देता हूं। आज वैसे ऐसे वचन परमेश्वर मेरे अंदर क्यों भर रहे मुझे मालूम नहीं, किसी के लिए जरूरत होगी जरूर। आप हार मानने वाला ना रहो, क्विट करने वाला ना रहो, हिम्मत हारने वाला ना रहो, मेरे पवित्र जीवन नहीं बिता पा रहा पास्टर जी, आप तो बूढ़ा हो गए, आपके जैसे होगा तो मैं भी हो जाऊँ, ऐसा जरूरत नहीं, बूढ़ा होने से भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। जवानीपन में मेरे को जवानीपन में भी प्रॉब्लम आया, बूढ़ापन में भी हमको सावधान रहना पड़ेगा, दुनिया में रहते हुए लास्ट मिनट तक पापों के विरोध में लड़ते रहो, हार मत मानो, हमेशा गरम रखो, गरम आत्मिक जीवन कैसे होना चाहिए, गरम। मुझे पता चलता है कुछ लोगों को, सबका मन में ऐसा नहीं, जज नहीं कर सकता, लेकिन लोगों की आराधना को देखते हुए पता चलता है गर्म है। हाँ, उधर एक मीटिंग में गए थे ना, यूथ मीटिंग में बच्चों को ले गए, कितने वो चर्च वाला कितने लड़के लोग छोटे छोटे कैसे बढ़िया से आराधना कर रहे हैं। पास्टर जी तो पास्टर जी कुछ नहीं कर रहे थे ना, आराम से देख रहे थे, सब लड़के लोग इतना जोश से आराधना कर रहे हैं, ऐसा दिन मैं भी सपने देख रहा हूँ मेरे बच्चे लोग पास्टर जी का सपने के लिए थोड़ा साथ देंगे। हाँ ठीक है, हमसे 10 साल पहले सेवा शुरू किए होंगे, वो अलग बात है,
फिर भी मैं चाहता हूँ, मन लगाने वाला चाहिए और भी करने वाला चाहिए, डेडिकेटेड लोग चाहिए, रिस्क लेने वाला चाहिए, डरपोक नहीं चाहिए, कायर लोग नहीं चाहिए। कायर वर्ड मैंने सीख लिया एक प्रियंका गांधी के भाषण में, कायर, कायर मतलब डरपोक ना। हाँ बोला, ये सब कायर है ये लोग, धैर्यमा चल रहा अवग प्रधानमंत्री है, कायर है। हम लोग कायर नहीं है, शैतान डरपोक है, शैतान कायर है, हम लोग हिम्मत वाला है। हिम्मत नहीं हारेंगे, यही आज मेरा प्रचार मेनली यही रहेगा। आप प्रभु के उद्धार पाने बगैर रहो मत, पाए उद्धार को कोवो मत, वचन को पाते रहो, वचन को खोना नहीं, उसमें ध्यान लगा, उसमें पालन करो, काम पे लगाओ। बढ़िया बढ़िया एसी लेके रख दिए, चालू करेंगे, लाइन लगाएंगे तभी तो, नहीं तो गर्मी का मजा लेते रहो कुछ भी चीज़ काम पे नहीं रहेंगे तो फायदा नहीं। उद्धार के अनुभव आपके जीवन में हर इलाके में दिखना चाहिए, आपके जीवन की हर इलाके में काम करना चाहिए। उसके लिए मन लगाओ और भी करो, नहीं हुआ तो मांगो, नहीं मिला मांगो तो मिलेगा, नहीं मिला ढूंढो, ढूंढो के तब पाओगे। अगर ढूंढने पर भी नहीं मिला, बाद में कटकटाओ, कटकटाओ, खोलने के लिए कोई नहीं है, लेकिन खुला हुआ है थोड़ा दिखा दो। इसके आगे और भी है, शिमशोन जैसे कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगा, रुकावट को, यरीगो का दीवार को परमेश्वर ने क्या किया, तोड़ डाला। स्तुति के हथियार के सामने कुछ नहीं टिकेगा, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, छुटकारा को लेके नीचे, छुटकारा मिलेगा आपको स्तुति आराधना से, छुटकारा। मूसा को गीत सिखाया गया, लोग गीत सिखाया गया लोगों के अंदर आशीष को देने के लिए। आज हमारा चर्च में भी गीत सिखाया जा रहा है, वचन का गीत सिखाया जा रहा है, सीखो। हाँ गाना गाए कि नहीं, कौन सा गाना आज गाए, नया गाना दो गाए ना, सेनाओं का प्रभु, वो गाना गाओ, और दूसरा गाना एक वर एक ही वर तुझसे मांगो सदा तेरे संग रहूं, एक ही वर तुझसे मांगो सदा तेरे संग रहूं, एक ही वर तुझसे मांगो सदा तेरे संग रह। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। ये की वर तुझसे मांगो सदा तेरे संग रहूं, ये की वर तुझसे मांगो सदा तेरे संग रहूं। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा। एडिक्शन है, एडिक्शन क्या, एडिक्शन है जहां पर भी नया गाना कुछ मिल जाता पकड़ो उसको उसका क्या करो, पकड़ना, मुझे चाहिए। किसी का भी गाना हो, मुझे चाहिए, मुझे माले में उसका वैल्यू, माले में वो गाना मैं चर्च को दूंगा, चर्च वाले गाने लगेंगे, शैतान का सेना चुकना चुर होगा। इसलिए ऐसे ऐसे गाना सीखो, नाचो, जरूरत पड़ेगा। मेरे को तो नहीं आते, लोग आता है हाँ, लेकिन प्रभु में रहो, ऐसा ना हो कि बहकर चला जाए। आगे बढ़ना, अगला वचन, एक ही वचन में रुक गया हूँ मैं पूरा समय, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था,
जब वह स्थिर रहा और हरेक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? क्वेश्चन है, उसका आंसर दो। निश्चिंत रह कर बच सकते हैं क्या? निश्चिंत रहने वाला बचेगा? बोलिए। केयरलेस रहने वाला नहीं बचेगा। केयरलेस रह गया था शिमशोन, लेकिन आखिरी में प्रभु का अनुग्रह मिला। एक उस पर रिस्क मत लो। प्रभु को सीमा तक दबाना नहीं, डोंट पुश हिम टू द लिमिट्स। प्रभु का सीमा को, समय का सीमा को समझ लो। प्रभु का अनुग्रह तो बड़ा है, लेकिन हमारा समय लिमिटेड है। हमारा जीवन में कितनी साल हम रहेंगे हमको मालूम नहीं है। तो इसलिए सावधान रहो। जो लोग निश्चिंत रह गए, केयरलेस रह गए, दंड से बच नहीं पाए, कभी उदाहरण है ना, यहूदा इस्करियोत जैसे उदाहरण भी तो बाइबल में है, वो बच सकता क्या? बाद में बचाता क्या? बचाया गया नहीं ना, नहीं बच। केयरलेसनेस प्रभु के जीवन में, आलसीपन नहीं चलेगा, बेपरवाही नहीं चलेगा, लापरवाही नहीं चलेगा। सीरियसनेस चाहिए। मुझे प्रभु के भवन में आ गया हूँ, प्रभु के युद्ध के मैदान में आ गया हूँ। मेरे विरोधी में एक शत्रु है, मुझे भरमाने के लिए, गिराने के लिए बहुत कोशिश में है। मुझे उससे डर के रहने का नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ शैतान से डरते रहो, लेकिन सावधान रहो। जो वचन सुने हैं, जो वचन से लोग भटक गए हैं, वो लोग को दंड मिल गया। पुराने नियम के लोगों की बातें कर रहे हैं, जो लोग प्रभु के आज्ञा माना नहीं, जो देश को प्रभु देने वाले थे वो लोग विश्वास नहीं किए, वो लोगों के ऊपर प्रभु नाराज हो गए, वो लोगों को आशीष मिला नहीं है, वो लोग पाया नहीं है। आज हम लोग इतनी महान उद्धार के संदेश को सुन करके आखिरकार यहाँ पर बैठे हुए सब लोग स्वर्ग में दिखाई देना चाहिए। समझ में आ गया मेरे बच्चों लोग? अब सबको हम लोग स्वर्ग में देखना चाहते हैं, एक को भी कोना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं, जब इधर में आ गए हैं, आप नहीं आया वो तो अलग बात है, लेकिन जब आप आ गए हैं इसमें मन लगाए रखो, इसमें पूरा मन से प्रभु को समर्पित रहो, प्रभु के सामर्थ्य से भर जाओ। सामर्थ्य के बगैर दून नहीं रहता माले में। अभिषेक के बगैर कितने सारे सैमसन कैसे कर पाया मालूम नहीं, कैसे था जरा बॉडी बिल्डर था कि नहीं मालूम नहीं, शायद पतला भी होगा क्या मालूम। अभिषेक है पतला वाला भी होगा तो भी पतला वाला से भी काम हो जाएगा। कोई सेवक बोल रहे थे वो तो पतला वाला, मुझे मालूम नहीं है। मैं सोच रहा था थोड़ा बड़ा बड़ा बिल्डर होगा, बॉडी बिल्डर, वो भी सकता मालूम नहीं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग से काम नहीं हुआ, अभिषेक से काम हुआ। आज आप कितने तेज हो, कितने होशियार हो, कितना चालाकबाजी हो, कितने जो तुम्हारा ताकत है उस पर नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आएगा आपके अंदर, जोश आ जाएगा। जोश, जोश एक वचन है भजन संहिता 110 में, और भविष्यवाणी के समय में शिष्य जी भी बोले थे 110, मेरा बहुत फेवरेट वचन है वो 110 का तीसरा, तीन और दो और तीन पढ़िए। तेरे पराक्रम का राजदंड, दो पढ़ना पहले। तेरे पराक्रम का राजदंड, यहोवा सियोन से बढ़ाएगा, मैंने बोला ना राजदंड, लोखंड वाला, प्लास्टिक वाला नहीं, जैसे हमारे बच्चे लोग ड्रामा में एक्टिंग करते हैं ना, आटा कत्ती, वो ये ना सोले मादे कार्डबोर्ड वाला, ये कार्डबोर्ड वाला नहीं। पराक्रम की राजदंड सियोन से
भेजेगा आगे। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर, शासन कर। बोलिए, मेरा शत्रु घूमते फिरते रहता है, आगे पीछे कोशिश करते रहता है, लेकिन उनके बीच में मैं हमेशा हीरो रहूंगा। हीरो बनना है, विलन बनना है। फिल्मों में अभी नहीं देख रहा हूँ, पिछले ज़माने में देखा था। कितने भी विलन आते, हीरो क्या करते हैं, सबको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रभु के राजदंड लिए हुए शत्रुओं के बीच, वो गाना गाए ना हम लोग, कौन सा गाना था, पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया, पापों को हटाया तू, श्रेष्ठ नाम है तेरा, पापों को हटाया तू, श्रेष्ठ नाम है तेरा, स्वर्गीय महिमा में विराजमान पिता के साथ, पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया वचन से संभालता, वचन से दुश्मनों के मध्य में राज्य तू करेगा, शत्रु तेरे पावों की चौकी बनेंगे, शत्रु को मृत्यु से जीत लिया, मृत्यु के डर से तूने हमको छुड़ाया, ओ दुश्मनों के मध्य में राज्य तू करेगा, शत्रु तेरे पावों की चौकी बनेंगे, सरदार को मृत्यु से जीत लिया, मृत्यु के डर से तूने हमको छुड़ाया, पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया वचन से संभालता, वचन से। ये वचन और ये गाना क्या बोल रहे हैं, अभी मत सोचो कि मृत्यु शैतान हट जाएगा, थोड़ा समय के लिए जाएगा, फिर घूम फिर के फोन करेगा, मैं हूँ यहाँ। अरे फोन तो उठाएगा मेरे प्यारे, मैं हूँ, मेरा पहला बहुत दोस्ती था ना यार, इतना ज़्यादा मिल करके दारू भी पीते थे यार, अरे इतना क्यों बोल जा रहा है यार। अरे थॉमस जी ऐसा मत करो यार, हम कितनी छोटापन से 17 साल तक में कितना तुमको ये प्रेम दिया, अभी यीशु यीशु बोल के तुम भागा चला गए, वो रहेगा, इसलिए बोलते दुश्मनों के बीच में आपको राज शासन करना, काली हाथ से नहीं होगी, हाथ में राजदंड सियोन से परमेश्वर भेजेगा, यीशु मसीह के लिए है, उसकी कलीसिया के लिए है, सियोन से राजदंड पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर ने भेजा है, यीशु का नाम भेजा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक भेजा है आपके लिए, वो राजदंड है दुश्मनों के बीच में राज्य करना। किस विश्वास से राज्य करेंगे, शत्रु तेरे पावों की चौकी बनेंगे, मृत्यु के सरदार को मृत्यु से जीत लिया, मृत्यु के दर से तूने हमको छुड़ा, एक दिन चौकी बन जाएंगे। आज शैतान खेल खेल रहा है मेरे साथ भी, आपके साथ भी, डरा रहा है, झूठ बोल रहा है, घबरा रहा है, मालूम है सब हमारे पावन तले आने वाले है, इस विश्वास आपके अंदर रहेगा, लड़ने का हिम्मत आपका आएगा, शत्रु के बीच में राज्य करना पड़ेगा, समस्या के बावजूद भी उठना पड़ेगा, आपके विरोध की भावना को जो जो लोग बाहर से बोल रहे हैं सबको हटा करके, धूल को झाड़ कर, ये सियोन की बेटी என்ன பண்ணும், சியோன் குமார்த்திய தூசிய உதறி எழுந்திரு, விற்று அலங்கார வஸ்திரத்தை உடுத்திக்கொள், திரு அச்சா மேக்கப் கரலோ, மேக்கப் மேக்கப் போல்றே வா, பார் பைபிள் மெல்லிக்கா ஏசாயாமே, அலங்கார வஸ்திரத்தை அமாரலிய மேக்கப் கியா ஹே மாலுமே, பச்சோலோ பப்பட் ஷோ மே திகாயா தா, யே சப் அமாரா மேக்கப் ஹே, உத்தார கே டோபீ, बोलो क्या क्या मेकअप चाहिए,
सुसमाचार की तैयारी की, जूता सच्चाई का पटुखा और विश्वास की ढाल, धार्मिकता की झिलम, हमेशा नमा ठोप उद्धार की टोपी, आत्मा की तलवार बहुत जरूरी है, पेपर वाला तलवार नहीं, ऐसे प्रभु जी बोलते हैं सियोन से भेजेगा पराक्रम की राजदंड, प्रभु का वचन में ताकत है यार, उसको लेके लड़ेंगे हमेशा जीत हमारा। मनुष्य के विरोध में मैं कभी बात नहीं कर रहा हूँ आपको, आपका जीवन पापों में कोई मनुष्य लोगों का शैतान इस्तेमाल करेगा, ऐसे लोगों से बच के रहनी पड़ेगी, लेकिन किसी भी मनुष्य हमारा विरोधी नहीं है, हमारा विरोधी दुष्ट शैतान है, उसका हराना अपना बुद्धि से नहीं होगी, अपना ताकत से नहीं होगी। कभी कभी परमेश्वर हमारा अंदर से कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य कर रहे हैं, हम लोग कभी भूल में चला जाते हैं, मेरे पावर से हो गया करके हम सोच लेते हैं। कभी किसी के लिए प्रार्थना किया, बीमारी चंगा हो गया, ससुराल मैंने कर दिया, हमने किया, हमारा द्वारा पवित्र आत्मा ने किया, यही शमशोन की गलती हो गई। वो सोचने लगा ये तो, अरे मैं तो फिलिस्ती लोगों को जब बाल उड़ गए उसके बाद भी क्या कर रहा था मालूम है फिलिस्ती, अरे मैं फिर से पहले जैसे करूँगा, कर पाया नहीं कर पाया, तो इसलिए हमेशा राजदंड लिए हुए दुश्मनों के बीच में राज्य करना पड़ेगा, चुकना चूर करना है, लोकन का डंडा लेना पड़ेगा। ठीक है, छोटा से चूहा को मारने के लिए लकड़ा का डंडा चलेगा, बहुत बड़ा सांप आ गए क्या करेंगे, घर पे पड़ा होगा कोई लोहे का राड लेकर के मारना पड़े। हमारे घर में एक बार मारे थे हमारा लड़के लोग, इतना बड़ा घुस गया शैतान कहाँ से भी छोड़ा नहीं, बच्चे लोग उसको चुकना चूर कर डाल दिए, लहू लुहान कर दिया पूरा बेडरूम में। वो लोग शैतान कोशिश करता है लेकिन हम छोड़ना नहीं है, हमारे पास हथियार है, हथियार बगैर ओवर कॉन्फिडेंस मत रहो, पहन लो दुश्मन की बंती में राज्य करो, शत्रु तेरे पावों की चौकी जरूर बनेगा। एक ही वचन पढ़ के मैं ख़त्म करता हूँ, जैसे उसमें हमारा गाना भी बनाया है, रोमन 16 चैप्टर 20th वर्स, वेरी इंपॉर्टेंट वचन। कभी भी आपके आत्मिक हथियार में, आत्मिक युद्ध में इस वचन को याद रखो, शैतान को हम हराने के लिए हमारे पास ताकत है, हमारा विश्वास है, हमारा इलेक्शन रिजल्ट हमारे पास है ऑलरेडी। हालेलुया, पढ़ना रोमन 16:20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। किसके पांव से? हमारे मत बोलो, मेरे पांवों से। कितना टाइम लगेगा? क्या लिख रहा है? शीघ्र, बोले शीघ्र, मेरे पांव से शांति का परमेश्वर शैतान को मेरे पांवों के नीचे कुचल देगा। ये गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है? कोई कोई चर्च में मैं देख रहा हूँ अफ्रीका में, एक पास्टर जी ऐसे वचन बोलने के बाद चर्च में सब लोग उठ के चिल्ला रहे, उठा रहे हैं, पास्टर जी वचन भी बता नहीं पा रहे हैं। ऐसे वचन को लोग क्या कर रहे हैं? रिसीव करो। आज मेरे वचन मेरे लिए है, दुश्मन के बंदे में मैं अभी राज्य कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, पाप के विरोध में, दुनिया के विरोध में, मोह माया के विरोध में, दुनियादारी के विरोध में, लेकिन एक दिन आएगा ये सब चीज़ पावन तले हो जाएगा। हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे। शांति का परमेश्वर हमारे पाव तले, शत्रु शैतान को जल्दी ही कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर
पाव तले शत्रु शैतान को जल्दी कुचलवा देगा वो तो पल से हरा हुआ शैतान पल से हरा हुआ विश्वास से गाओ वो तो पल से हरा हुआ शैतान पल से हरा हुआ पल से ईश्वर ने क्रूस के द्वारा शैतान को कुचल दिया पहले से ईश्वर ने क्रूस के द्वारा शैतान को कुचल दिया शांति का परमेश्वर हमारे पाव तले शत्रु शैतान को जल्दी ही कुचलवा दे स्वर्ग पिता हम धन्यवाद देते हैं आपका उद्धार महान उद्धार है उस उद्धार को पाने के लिए हम सारे आत्मिक एक्सरसाइज है प्रार्थना की जीवन बाइबल पढ़ने का जीवन अनुशासन की जीवन प्रयत्न का जीवन प्रार्थना का जीवन हमेशा प्रभु जी आपके गीतों के लिए एक प्यासा आपके वचनों के लिए एक प्यासा रहें हमेशा प्रभु जी आपके तरफ से मिलने वाले हर अनुग्रह को हर मदद को तुच्छ न गिने कहीं भी प्रभु का मदद मिल रहा है आपका जीवन में मेरे जीवन में प्रभु जी आप मदद कर सब लोग उस मदद को स्वीकार करें खास करके आज का भविष्यवाणी वचन को स्वीकार करें उद्धार के बारे में केयरलेस न रहें आलसी न रहें कभी भी शैतान के विरोध में लड़ने के समय में शत्रु के बीच में राज्य करेगा लेकिन सियोन से तो अपने पराक्रम की राजदंड में दिया है यीशु मसीह का नाम दिया है पवित्र आत्मा के अभिषेक दिया है आप कलिसिया की अधिक सदस्य के हाथों में अथॉरिटी दिया है शैतानों को भगाने के लिए भूतों को भगाने के लिए उस अधिकार को हम लोग सही ढंग से इस्तेमाल करते हुए विजयवान जीवन व्यतीत करें आखिरकार हमारा उद्धार को पूरा पूरा पाने वाले रहें कोई भी पीछे हटने वाला ना रहें कोई भी नाश न हो जाएं लास्ट तक उद्धार को पूरा बच्चा के रखने के लिए पाया हुआ उद्धार को खोए नहीं संभालें आखिर तक आपके पवित्र उपस्थिति में बने रहें आपके संग जुड़े रहें और एक भाई बहन बच्चों को आपके नाम से माशिस करते हैं आपके हाथों में देता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता आमेन पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ हमेशा बना रहे